Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Ishan Shivasti. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो जो कि था किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, जिसमें हमने 600 BCE से 600 CE के तक के पॉलिटिकल चेंजेस एंड इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में जाना था कि किस तरह से उस समय पे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन थी ड्यूरिंग 600 BCE टू 600 CE. अब हम इस चैप्टर में उसी टाइम पीरियड की बात करेंगे, बट हम किस एस्पेक्ट की बात करेंगे, हम सोशल एस्पेक्ट की बात करेंगे, हम क्लासेस की बात करेंगे. क्लासेस वो वाली क्लास नहीं जो हमने अटेंड करी है स्कूल में या कॉलेजेस में, हम उन क्लासेस के बारे में बात करेंगे जो कि सोशली डिवाइड करती हैं हमको, जो कि डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे. एंड क्लास मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो गाइज, टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग दीज टॉपिक्स एंड देयर सब टॉपिक्स एज वेल. एंड फ्रेंड्स, बहुत लोगों को हिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, जैसे कि मुझे भी. व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, आई वाज नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, दो आई अचीव 96 मार्क्स इन माय हिस्ट्री. सो हाउ डिड आई मैनेज टू डू दैट? सो मैंने कैसे मैनेज किया इतने मार्क्स लाना? गाइज, मैंने हिस्ट्री को हमेशा स्टोरी फॉर्म में लर्न करने की कोशिश की है, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट किया है. अगर कोई बुक है, हमारी फर्स्ट बुक है, तो उसमें हर चैप्टर इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है, तो मैंने स्टार्टिंग से उसको समझने की कोशिश की है, तभी हमारी चैप्टर पे ग्रिप हो पाएगी एंड इट विल बी मोर इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. सो गाइज, इन दिस वीडियो ऑल्सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर इन स्टोरी फॉर्म. हम इस वीडियो में भी स्टोरी के ही फॉर्म में लर्न करेंगे चैप्टर को, ताकि हमको समझने में बहुत ईजी हो जाए. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत. मतलब महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन कैसे? अब सबको पता है महाभारत के 1,00,000 से भी ज्यादा वर्सेस फाउंड किए गए हैं अभी तक, तो उनको कैसे एनालाइज करना है और किसने एनालाइज किया था, उसके बारे में ये टॉपिक है. सो अ टीम कंप्राइजिंग डजन्स ऑफ स्कॉलर्स इनिशिएटेड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत. ये डजन्स ऑफ स्कॉलर, मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स लगे थे जिन्होंने ये क्या प्रोपाउंड किया था, जिन्होंने इनिशिएट किया था इस प्रोग्राम को, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत. आफ्टर दैट टीम कंपेयर्ड वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट. मतलब हर मैन्युस्क्रिप्ट से वर्सेस कंपेयर किए गए थे महाभारत के, जो कि 1,00,000 से भी ज्यादा वर्सेस थे. वो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? मैन्युस्क्रिप्ट वो होती है जो अनऑफिशियल पेपर होते हैं, विच इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, आइदर इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग. सो उसको कंपेयर करना पूरे सारे वर्सेस से, जो कि 1,00,000 से भी ज्यादा है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है. तो इन्होंने वो कंपैरिजन किया था. और गाइस, प्रोजेक्ट को कितने साल लगे थे? अराउंड 47 इयर्स लगे थे. और जो थिंग्स थी उसमें दो चीजें उभर कर सामने आई थी. वो पहली थी कि देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट इन द स्टोरी. मतलब काफी सारे सेवरल एलिमेंट जो थे वो दोनों में सेम थे, जो वर्सेस में भी सेम थे और मैन्युस्क्रिप्ट में भी सेम थे. और जो दूसरा था हमारा, वो था एविडेंट वर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट नॉर्थ टू साउथ. अब जो महाभारत के जो एविडेंस थे वो कहाँ कहाँ, हर जगह पाए गए थे, नॉर्थ से लेकर साउथ तक. नॉर्थ में कहाँ से? नेपाल हो गया हमारा, जम्मू कश्मीर हो गया, साउथ में हमारा बेंगलुरु हो गया, उससे नीचे हमारा तमिलनाडु हो गया, ये सब यहाँ सब भी ट्रेसेस पाए गए थे. सो आफ्टर कंक्लूडिंग दीज पॉइंट्स, द वन थिंग विच वी वुड एज्यूम इज It was not an easy task for the scholars to understand and to collaborate the epic of Mahabharat. मतलब ये कोई easy काम नहीं था, ये बहुत ही critical काम था कि सारे verses को manuscript से compare करना. manuscripts कितने सारे थे, जिसको 1,00,000 verses में लिखा गया है, जो largest epic है महाभारत, उसको लिखना. guys, it was not an easy task. So this was the topic of the critical edition of Mahabharat. Moving ahead towards the next topic, that is किंगशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिएड प्रैक्टिसेस. सो गाइस, इसमें काफी सारे सब पार्ट है. जो हमारा पहला सब पार्ट है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट द फैमिलीज. मतलब फैमिलीज किस तरह होती थी वहां पे और फैमिलीज को क्या बोला जाता था, उसके बारे में है. तो किंग फोक बोला जाता था फैमिलीज को, जो ब्लड रिलेशंस होते थे और जो फैमिली होती थी, जिसमें मेजरली कौन कौन होते थे, मदर, फादर, सन, डॉटर, ग्रैंड पेरेंट्स and sometimes the brother of your father, that is your paternal uncle. So these are known as kinfolk, network of people or relatives. इसके बाद family tie regarded as natural and based on blood. Family tie कौन होती है, आपकी family कौन होगी, जो आपके blood relation होगा जिनसे आपका. But sometimes कुछ लोग blood relations को नहीं मानते हैं, मतलब कि वो लोग cousins को अपना blood relation नहीं मानते हैं, वो लोग उनको अपनी family में conclude नहीं करते हैं, include नहीं करते हैं.
सो इसी के बारे में, फैमिली टाइज रिगार्डेड एज नेचुरल एंड बेस्ड ऑन ब्लड, बट सम सोसाइटीज रिगार्ड कजन्स एज ब्लड रिलेशंस, मतलब कुछ मानते हैं ब्लड रिलेशन बट वाइल सम डोंट, मतलब कुछ नहीं मानते हैं। तो ये था फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज। अब देखते हैं द आइडियल्स ऑफ पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी क्या होता है? पैट्रिलिनी इज द सिस्टम वेयर द सन ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, मतलब सन के पास पूरे पूरे राइट्स दिए जाते हैं कि वो अपने फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी उसको ऑक्यूपाई कर पाए। ही इज द सोल अथॉरिटी फॉर दैट, मतलब उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है अपने पापा की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर करने के लिए, डॉटर के पास नहीं होती है। और ये हम आज के सिनेरियो से भी समझ सकते हैं, आज भी जो सन्स होते हैं वो अपने फादर की ऑक्यूपाई कर लेते हैं, लाइक नेपोटिज्म हो गया बिजनेस में या किसी भी चीज में वो इनहेरिट कर लेते हैं अपने पापा की प्रॉपर्टी। बट बाय डॉटर्स का क्या कर दिया जाता है? कन्यादान, जिसके बाद उनको भेज दिया जाता है दूसरे घर और वो उसको क्लेम नहीं करती हैं। सो गाइस भाई, महाभारत डिस्क्राइब अ फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजन। अब महाभारत में देखते हैं कि ये तो ब्लड रिलेशन के ही थे जो दो आपस में लड़ गए थे, आइदर इट इज कौरवाज और पांडवाज, दे बोथ आर फ्रॉम द सेम फैमिली और दे वर कजन्स। जो पांडवाज थे वो कौरव के कौन थे? कजन्स थे। और ये फ्यूड किसके लिए हुआ था? पावर और लैंड के लिए हुआ था। उसके बाद अंडर पैट्रिलिनी सन कुड क्लेम द रिसोर्स ऑफ देयर फादर। पैट्रिलिनी क्या होता है? सन क्लेम कर सकता है अपने फादर के अथॉरिटी को, चाहे वो फादर अगर किंग है तो सन के पास पूरा अधिकार होता है कि वो युवराज बने, जो एल्डेस्ट सन होता है। महाभारत का जो सिनेरियो था वो थोड़ा बहुत डिफरेंट था बाकी सिनेरियो से। इधर क्या हुआ था? जो पांडु थे पांडवास के फादर, वो बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से जो राज था वो किसको दे दिया गया था? वो कौरवास के फादर को दे दिया गया था, धृतराष्ट्र को, एंड ही वॉज ब्लाइंड सिंस चाइल्डहुड। सो गाइस, अब पांडु की मृत्यु हो गई एंड जो प्रजा थी वो किसको राजा बनाना चाहती थी? वो युधिष्ठिर को बनाना चाहती थी, जो कि पांडव वन ऑफ द पांडवास था, एल्डेस्ट पांडवा। एंड द कौरव एल्डेस्ट सन दुर्योधन क्लेम्ड हिज रूल। क्यों उसने क्लेम किया? क्योंकि उसके फादर उस समय पे प्रेजेंट किंग तो उसके फादर थे, बट वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाए गए थे, और जो मेन पहले राजा बनाए गए थे वो थे पांडु और उनके सन क्लेम कर रहे थे। तो इस वजह से डिस्प्यूट हो गया था और ये कोई क्लियर नहीं कर पा रहा था कि किसको राज्य मिलना चाहिए। सो इस वजह से इसका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट था बाकी सिनेरियो से। सो उसके बाद थर्ड पॉइंट है, कंसर्न विद पैट्रिलिनी वॉज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिली, इट इज मेंशनड इन ऋग्वेदा। मतलब ऋग्वेदा में भी मेंशनड है कि ये जो पैट्रिलिनी की जो प्रथा चलती चली आ रही है ये सिर्फ रूलिंग एलिट्स के लिए नहीं था, मतलब सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं था, बट नॉर्मल जो कॉमन पीपल्स थी, जो प्रजा थी, वो भी इसी को फॉलो करती थी। जैसे कि कोई फार्मर का सन हुआ तो वो अपने फादर की प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करेगा, पूरे खेत उसके हो जाएंगे। अगर कोई व्यापारी का बेटा होगा तो वो उसकी शॉप ऑक्यूपाई करेगा। तो ये सब हमारे ऋग्वेदा में मेंशन है, ये पैट्रिलिनी की जो प्रथा है। इसके बाद गाइस, इन सम केसेस ब्रदर सक्सीडेड वन अनदर, मतलब सम केसेस में, अब महाभारत का ही सिनेरियो ले लें तो जब पांडु की मृत्यु हो गई तो किसने राज्य ऑक्यूपाई किया? धृतराष्ट्र ने किया। सो गाइस, इन सम केसेस दिस वाज द एग्जांपल ऑफ महाभारत। आफ्टर दैट प्रभावती गुप्ता वाज एन एक्सेप्शन। अब हमने देखा था कि प्रभावती गुप्ता ने अपने फादर की प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करी थी, दो इट वॉज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी बट स्टिल शी ऑक्यूपाई हर फादर्स प्रॉपर्टी और एक्वायर हर फादर प्रॉपर्टी। सो गाइज, दिस वॉज द टॉपिक ऑफ आइडियल्स ऑफ पैट्रिलिनी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ हियर कम्स आवर थर्ड सब टॉपिक, दैट इज रूल्स ऑफ मैरिज। मतलब मैरिज के क्या क्या रूल्स थे, किन किन बेस पे मैरिज की जाती थी और कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में मैरिज होती थी, चलिए जानते हैं। सिंस सन्स वर इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ पैट्रिलिनेज, डॉटर हैड नो क्लेम टू हाउस होल्ड। अब जब सन की ड्यूटी होती थी कि फादर की, सन के पास अथॉरिटी होती थी कि फादर की जो भी प्रॉपर्टी है वो एक्वायर कर ले, तो डॉटर के पास कोई राइट नहीं होता था उसको क्लेम करने का। बाद सिस्टम ऑफ एक्सोगेमी वॉज प्रिवेलेंट एंड इट वॉज एंश्योर्ड दैट दे आर मैरिड टू द राइट टाइम एंड राइट पर्सन। सही जगह सही इंसान से शादी करना, ये गाइस कुंडली वाला सिस्टम है, मतलब एक ब्राह्मणिकल नॉर्म के अनुसार एक ब्राह्मण से पूछकर उसकी अनुमति लेके जो कुंडलियां मिलवाई जाती हैं लड़के और लड़की की,
और उसके ब्राइड और ग्रूम की, और उसके बाद सही मुहूर्त डिसाइड होता है कि कौन सी डेट को शादी होनी चाहिए। तो गाइज ये प्रोविजन तब से चला आ रहा है, 600 BCE से चला आ रहा है, और आज भी हम ये देखने को मिलता है हमको सोसाइटी में। सो ये सिस्टम ये भी हमें बताता है। इसके बाद देयर आर प्रोविजन ऑफ कन्यादान और गिफ्ट ऑफ डॉटर एंड इट वॉज कंसिडर्ड अ रिलीजियस ड्यूटी फॉर अ फादर, मतलब एक फादर के लिए रिलीजियस ड्यूटी मानी गई है कन्यादान करना और गिफ्ट ऑफ डॉटर, मतलब कन्यादान का प्रोसीजर हम आज भी देखते हैं, प्रोविजन हम आज भी देखते हैं, और उस टाइम पे भी ये प्रेविलेंट था कि फादर की ये रिलीजियस ड्यूटी है अपनी डॉटर का कन्यादान करे, और कहां करे, विद अकॉर्डिंग टू एक्सोगैमी। एक्सोगैमी मींस अपनी यूनिट के बाहर करे, अपनी यूनिट के अंदर नहीं, अपने जो ब्लड रिलेशंस है उससे बाहर अपनी जो लड़की है, अपनी जो बेटी है उसका कन्यादान करे। तो ये इसको प्रेविलेंट माना गया है। इसके बाद अब देखते हैं फोर टाइप्स ऑफ मैरिज कौन कौन सी, जो कि ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के अनुसार जो वैलिड है, उनके अलावा भी बहुत सारी हैं बट उसको मान्यता नहीं मिली है, जो ये चार है इन्हीं को मान्यता है। पहला है एंडोगैमी, मैरिज विद इन द यूनिट, मतलब अपनी ही यूनिट में, मतलब कजन्स में भी शादी हो जाना, उसको हम बोलते हैं एंडोगैमी। इसके बाद एक्सोगैमी, मैरिज आउटसाइड द यूनिट, मतलब हम जो मोस्टली केसेस में देखते हैं हमारी सोसाइटी में आउटसाइड द यूनिट ही शादी की जाती है। इसके बाद पॉलीगैमी, पॉलीगैमी इज अ सिस्टम वेयर मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, मतलब आदमी के पास काफी सारी वाइफ्स होती है, जो कि मुस्लिम प्रोविजन में देखने को मिलता है। बाद पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री इज अ सिस्टम वेयर वाइफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, ये हमें महाभारत में ही द्रौपदी के केस में देखने को मिला था, शी वॉज हैविंग फाइव हस्बैंड्स नेम एज पांडवास। सो गाइस दिस वाज द टॉपिक ऑफ रूल्स ऑफ मैरिज, हमने देखा किस क्या क्या रूल्स थे और क्या क्या प्रोसीजर्स थे मैरिज के। हमने ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के बारे में जाना कि जिसके ही अनुसार अगर शादी होती है उसको वैलिड मैरिज कंसीडर किया जाता है थ्रू कुंडली। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोत्र ऑफ वुमेन। सो अ ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस एविडेंट फ्रॉम 1000 BCE ऑनवर्ड वाज टू क्लासिफाई पीपल बेस्ड ऑन डिफरेंट गोत्र। तो ब्राह्मण्स ने ये जो प्रथा थी वो गोत्र की वो स्टार्ट करी थी, और लोगों को कैसे क्लासिफाई किया था, थ्रू गोत्र। और ऑल दोस हु बिलोंग टू सेम गोत्र आर कंसीडर्ड डिसेंडेंट्स, और जो सेम गोत्र के लोग थे वो उनको डिसेंडेंट माना जाता है, मतलब वो लोग सेम पूर्वज की ही संतान है। तो गोत्र के बारे में दो रूल्स हैं वो जान लीजिए। पहला, वुमेन्स वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर गोत्र, जो वुमेन्स थी उनको अपने फादर का गोत्र छोड़ना पड़ता था और अपने हस्बैंड का गोत्र एडॉप्ट करना पड़ता था। और दूसरा, पीपल फ्रॉम द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। सो गाइस ये था हमारा टॉपिक गोत्र ऑफ वुमेन का। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अ मदर, तो मदर की क्या इम्पोर्टेंस है, मदर की ही तो सारी इम्पोर्टेंस है इस वर्ल्ड में। सो गाइस इसमें देखते हैं कि जो सत्वाहनास जो थे वो अपने माता के नाम से जाने जाते थे, मेट्रोनोमिक्स, मतलब आइडेंटिफाइड बाय देयर मदर नेम। और हम देखें कि भगवान कृष्ण को भी हम लोग देवकी नंदन बोलते थे, सो ही वॉज ऑल्सो आइडेंटिफाइड थ्रू हिज मदर नेम। एंड जो भीष्म थे उनको भी हम लोग गंगा पुत्र के नाम से जानते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि मदर्स वर सो मच इम्पॉर्टेंट इन आर लाइफ। सो गाइज ये हमारे इसी के साथ हमने किनशिप एंड मैरिज एंड मेनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस वाला टॉपिक खत्म कर लिया। अब हम पढ़ते हैं सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द कास्ट। हमारा पहला सब टॉपिक है द राइट ऑक्यूपेशन। सो द राइट ऑक्यूपेशन मतलब क्या ऑक्यूपेशन किसके लिए बना है, क्या किसको कौन सी जॉब करनी है, ये हमें इसमें पता लगा था। सो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये धर्म सूत्र एंड धर्म शास्त्र में मेंशन है, जो हमने चैप्टर 2 में धर्म सूत्र एंड धर्म शास्त्र के बारे में पढ़ा था। इसके बाद गाइस ब्राह्मणास वर सपोज टू स्टडी एंड टीच वेदास, मतलब ब्राह्मण्स की क्या ड्यूटी थी, टू प्रमोट वेद एंड टू स्टडी अबाउट वेदास। इसके बाद क्षत्रिय की क्या ड्यूटी थी, अपनी प्रजा की रक्षा करना और उनसे टैक्स कलेक्ट करके उनके वेलफेयर के लिए लगाना, उनको प्रोटेक्ट रखना डिफरेंट कंट्रीज के इन्वेजन से, और जस्टिस प्रिवेल करनी चाहिए उनकी कंट्री में, ये सारी किंग की ड्यूटी थी, एक क्षत्रिय की ड्यूटी थी। इसके बाद जो थर्ड है वो है हमारा वैश्यास। वैश्यास वर बिजनेस क्लास पीपल, जो लेन देन का काम करते थे और जो ट्रेड करते थे आपस में विद इन एंड बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, तो उनकी ये ड्यूटी थी।
इसके बाद शूद्रा की एक ही ड्यूटी असाइन की गई थी, जो अपर थ्री वर्णास है उनको सर्व करना, उनकी सेवा करना, जो वो कह रहे हैं उनकी बात मानना और उनके अंडर में रहना, ये शूद्रास की ड्यूटी थी। सो गाइस ये हमने जाना ऑक्यूपेशन क्या क्या थे। अब हम सेकंड सब टॉपिक पढ़ते हैं। सो आवर टॉपिक इज नॉन क्षत्रिय किंग। सो अकॉर्डिंग टू शास्त्र ओनली क्षत्रिय कुड बी द किंग। अब शास्त्र के अनुसार क्या है कि जो क्षत्रिय होगा वही किंग होना चाहिए और वही रूल कर सकता है कंट्री को। बट मौर्य हु रूल लार्ज एम्पायर वर नॉन क्षत्रिय। मतलब ये डिबेटेबल टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट देवर क्षत्रिय, बट अकॉर्डिंग टू अनदर टेक्स्ट देवर नॉन क्षत्रिय किंग हु रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर। इसके बाद शाकास हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड मलिच बारबेरियंस और आउटसाइड बाय ब्राह्मिन्स। अब ब्राह्मिन्स ही डिसाइड करते थे, वर्ण भी डिसाइड करते थे, सोसाइटी भी डिवाइड करते थे, सब कुछ ब्राह्मिन्स करते थे। पर बारबेरियंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, ऑफन रिगार्डेड एज मलिक्षास और शाकास। तो इन लोग को ब्राह्मिन्स ने क्या बोला था, ये आउटसाइड द सोसाइटी है, आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी है और ये बाहर से आए हैं, तो इनको बारबेरियंस रिगार्ड किया गया था, तो इन्होंने भी रूल किया था। इसके बाद शुंगास एंड कानवास इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्यास वर ब्राह्मण्स। जो शुंगास और कानवास थे वो भी ब्राह्मण्स थे और वो भी नॉन क्षत्रिय किंग थे। इसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज सतवाहना डायनेस्टी रिगार्डेड एज द बेस्ट रूलर एंड वॉज अ ब्राह्मण। अब गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे वो भी ब्राह्मण थे और सबसे बड़े रूलर, मोस्ट प्रेस्टिजियस रूलर माने जाते हैं सतवाहना डायनेस्टी के, एंड ही वॉज ऑल्सो अ नॉन क्षत्रिय रूलर एंड वॉज अ ब्राह्मण। सो ये था हमारा नॉन क्षत्रिय किंग। नाउ जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। अब जाति क्या होती है, तो जाति अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति वॉज बेस्ड ऑन बर्थ। मतलब जिस भी आप क्लैन में, जिस भी कम्युनिटी में आपका बर्थ हुआ है आपकी वही जाति हो जाएगी। सो द नंबर ऑफ वर्णास वर फिक्स्ड। वर्ण के तो नंबर फिक्स थे कि चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, बट नंबर ऑफ जातीज वर नॉट स्पेसिफाइड। सो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन जाति। जाति कुड बी ऑफ एनी क्लैन, एनी टाइप एंड डिफरेंट। अब जो लोग वर्ण सिस्टम में फिट नहीं हो रहे थे, जो चार वर्ण थे उसमें फिट नहीं हो रहे थे, उनको जाति में डिवाइड कर दिया गया था। उनको बोल दिया गया था कि यू बिलोंग टू डिफरेंट जातीज, द पीपल जस्ट लाइक गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ एंड फॉरेस्ट ज्वेलर्स। ये लोग फिट नहीं हो रहे थे वर्ण सिस्टम में, क्लासीफाई नहीं हो पा रहे थे, तो इनको अलग जाति बना दिया गया था। तो ये था हमारा जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। अब हम बात करेंगे बियॉन्ड फोर वर्णास। जो चार वर्ण थे उसके अलावा जो लोग क्लासिफाई नहीं हो पाए थे वर्ण में, उनके बारे में बात करते हैं। सो कैटेगरी सच एज निषाद्स। निषाद कौन होते हैं, जो एनिमल की तरह रहते हैं, एनिमल हंट करते हैं और बस अपना सर्वाइवल के लिए रहते हैं, उनको बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होता है, उनको पता नहीं होता है हाउ टू लिव, और दोस पीपल आर रिगार्डेड एज अनसिविलाइज्ड। सो निषाद जिसमें एकलव्य जिसकी कम्युनिटी में बिलोंग करता था, महाभारत जिसका अंगूठा गुरु द्रोण ने कटवा लिया था एज अ गुरु दक्षिणा, सो इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। एंड नॉन संस्कृत स्पीकिंग पीपल आर रिगार्डेड एज मलिक्ष एंड लुक्ड डाउन अपॉन। और जो पीपल उस टाइम पे संस्कृत नहीं बोलते थे उनको मलिक्ष बोलते थे, और उनको रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, उनको बहुत ही निचले तबके के तरह समझा जाता था और उनको बहुत ही डाउन अपॉन, अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। सो गाइस दिस वाज द टॉपिक ऑफ बियॉन्ड फोर वर्णास। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स अ लास्ट सब टॉपिक ऑफ अ लास्ट टॉपिक, दैट इज बियॉन्ड फोर वर्णास सबऑर्डिनेशन एंड कंफ्लिक्ट। मतलब जो चार वर्णास के बाहर जो लोग थे, जो क्लैन थी लाइक चंडाल, तो उनके बारे में बात करेंगे और उनके उनको रिगार्डिंग क्या कन्फ्लिक्ट्स थे सोसाइटी में उसके बारे में बात करेंगे। सो ब्राह्मिन्स कंसीडर सम पीपल एज आउटसाइडर एंड दे आर ऑफन रिगार्डेड एज अनटचेबल्स, जिनको छुआ भी नहीं जा सकता है, जिनको पॉल्यूशन एज अ पॉल्यूशन माना जाता है सोसाइटी का। सेकेंड चंडाल क्लैन वॉज वन ऑफ द क्लैन ऑफ अनटचेबल्स एंड लिव आउटसाइड द विलेज। मतलब चंडाल क्लैन जो थी उसको माना जाता था अनटचेबल और वो विलेज के बाहर ही उनको रखा जाता था, उनको अंदर आने की परमिशन नहीं थी। मनुस्मृति लेड डाउन ड्यूटीज ऑफ चंडाल, दैट इज टू लिव आउटसाइड द विलेज, यूज डिस्कार्ड यूटेंसिल्स एंड वियर द क्लोथ्स ऑफ डेड एंड ऑर्नामेंट ऑफ आयरन। इनकी ड्यूटी मनुस्मृति में लिखी हुई है, जो कि क्या है
कि डेड के जो कपड़े हैं वो पहनना और जो डिस्कार्डेड मतलब जो हम यूज कर चुके होते हैं और जो फेक देते हैं वो सारे यूटेंसिल्स ये लोग यूटिलाइज करें, लाइक कुछ भी हो सकता है फॉर कुकिंग पर्पस, हम लोग जो चीजें लाइक पॉटरी हो गई और ये सारी चीजें जो डिस्कार्डेड होती थी उनको यूज करना, और इसके बाद आउट विलेज के बाहर ही रहना और क्लोथ्स ऑफ डेड मतलब मरे हुए इंसान के कपड़े पहनना और आयरन के क्लोथ्स पहनना। इसके बाद देवर ऑल्सो रिगार्डेड एज पॉल्यूटेंट्स, इनको पॉल्यूटेंट्स माना जाता था सोसाइटी का, मतलब इनको अगर देख भी लिया तो हम दूषित हो गए, हमको नहाना पड़ेगा, गंगा जल डालना पड़ेगा, ऐसा लोगों का मानना था। तो ये हमारा टॉपिक था बियॉन्ड फोर वर्नास सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो सक्सेसफुली गाइज वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट वन ऑफ आवर वीडियो ऑफ चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाइज एज यू ऑल नो कि चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। सो गाइज मैं आपके लिए बहुत पूरी मेहनत कर रहा हूँ, सो आप भी मुझे कुछ रिजल्ट दीजिए। प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन।